2014 की शुरुआत एक्ट्रेस बिपाशा बसु के लिए काफ़ी खास रहती है। एक तो उनकी बर्थडे साल की शुरुआत में ही होती है, और सेकंड थिंग है फिटनेस, जिसकी डीवीडी लॉन्च हो चुका है और आज कुछ ज़्यादा बात करने के लिए वो हमारे साथ में मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू हर, वेलकम टू जूम। थैंक यू सो मच। बहुत स्पेशल होता है साल की हर बार शुरुआत आपके लिए, और इस बार तो आप अनलीश के साथ आए हैं। टेल अस समथिंग अबाउट दिस। वेल, जैसे मैं हर साल की साल का जो एंड होता है, बहुत सारे सेलिब्रेशंस होते हैं, लोग काफ़ी इन्जॉय करते हैं, यू नो, पार्टी वार्टी करते हैं, तो थोड़ा सा हॉलीडे वेट जो आता है उसको दूर भगाने के लिए मैं हमेशा एक डीवीडी लेके आती हूँ, एंड इस बार अनलीश लेके आई हूँ। सो खासियत यही है कि इस बार सिर्फ आप हॉलीडे वेट सिर्फ नहीं, यू विल बिसाइड्स लूजिंग दैट हॉलीडे वेट, आप लोग स्ट्रांग भी बनेंगे इस डीवीडी को अगर आप करेंगे। विपाशा, इज एन एक्ट्रेस भी आप पर कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं होता होगा, क्योंकि आपको भी हमेशा फिट लगना है, बिकॉज अगर आप फिटनेस की बात कर रहे हैं तो आपको भी हैव टू बी लाइक वेरी फिट। और आपने थोड़े दिन पहले भी कहा था कि खाने का बहुत आपको शौक है, आप बहुत खाते हैं, तो ऐसे में अपने आप को इतना फिट कैसे रखते हैं? देखिए, ऐसी बात नहीं है, इंसान हूँ, फूडी हूँ, और जैसे लोग पार्टी वार्टी करते हैं मैं भी करती हूँ, तो एंड ऑफ द ईयर ऑलवेज इट्स द सेम रूटीन लाइक जो सबका होता है, मुझे भी होता है, यू नो, आई ऑल्सो पुट ऑन हॉलीडे वे, तो मेरी भी जनवरी में शुरुआत होती है, ओके नाउ आई हैव टू अगेन बिकम डिसिप्लिन, सो इट्स द सेम पैटर्न। एंड खुद को फिट रखने के लिए आपकी मॉर्निंग की शुरुआत कैसे करते हैं? व्हाट इज द लाइक मॉर्निंग स्टार्ट फॉर, अगर मैं डाइट की बात करूं? वेल, आई एम मोस्टली अ मॉर्निंग पर्सन, लास्ट दो साल में थोड़ा सा चेंज आया है, आई एम काइंड ऑफ अ मॉर्निंग एंड नाइट पर्सन नाउ, बट मेरा जो सुबह वर्कआउट होता है वो हमेशा रात के वर्कआउट से बेटर होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह उठ के पहले ही ट्रेनिंग कर लूँ, हमेशा पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि हम लोग की शूटिंग रहती है, बट इन टर्म्स ऑफ डाइट, यू नो, मेरा जो डाइट पैटर्न है वो सबको फॉलो नहीं करना चाहिए, बिकॉज मेरा टाइप पैटर्न अलग है, सबकी इंडिविजुअल बॉडी टाइप पे डिपेंड होता है डाइट आप कैसे करते हो, पर मेरी शुरुआत होती है, आजकल जो मैं कर रही हूँ इज लाइक आई वेक अप टू एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल एंड देन आई हैव अ ग्रीन टी एंड देन आई हैव माय एग्स एंड टोस्ट, सो दैट्स हाउ आई बिगिन माय मॉर्निंग, एंड देन उसके बाद तो खाती रहती हूँ चलता रहता है, दिन तो बहुत लंबा होता है, तो यू नो, try to eat very frequently. अभी जैसे मुझे भूख लग गई, अभी मैं आपके इंटरव्यू के बाद मैं खाऊंगी फिर से। तो स्पेशल घर के क्या होगा आपके लिए फूड, मतलब स्पेशल आप कुछ बना? आज कुछ स्पेशल लेके नहीं आई हूँ, आई एम जस्ट गोना हैव अ चिकन सैंडविच। ओह वाओ, ओके। एंड मुझे बताइए कि जब ये डीवीडी लॉन्च कर रहे थे तब मैंने देखा था बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स आपको सपोर्ट कर रहे थे, तो किस तरह से बॉलीवुड के स्टार्स आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कहीं कहीं ना वो आपके दोस्त भी हैं? देखिए, बहुत लोगों ने देखा है कि मैं क्या करती हूँ, दे नो माई डेडिकेशन, दे नो अबाउट माई पैशन, तो जिनसे भी जिनको भी मैंने ये डिस्कशन की है मेरे डीवीडी के बारे में या मेरे रूटीन्स के बारे में, इन सभी ने मुझे एक्चुअली देखा है ये सब रूटीन्स करते हुए, सो दे नो दैट द काइंड ऑफ पैशन आई कीप, इट्स ओनली गोइंग टू बेनिफिट पीपल, सो दैट्स वाई सच क्रेडिबल बाइट्स हैव कम फ्रॉम दीज पीपल, वेदर इट्स सलमान, वेदर इट्स अभिषेक, वेदर इट्स रितिक, दे ऑल नो अबाउट, यू नो, मैं लाइफ में क्या क्या हुआ है मेरे लाइफ में, फॉर द रीजन्स वाई आई हैव बिकम फिट, यू नो, फिटनेस वॉज नॉट अ वे ऑफ लाइफ फॉर मी टिल 2005, तो कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं लाइफ में जिसके लिए मुझे, यू नो, आई हैव बिकम डेफिनेटली मोर फिटर, और मैं नहीं चाहती हूँ वो प्रॉब्लम्स किसी और के लाइफ में आए, सो एवरी रूटीन दैट आई मेक इट विद दैट मच मोर कॉज एंड कंसर्न। सलमान का जिक्र हुआ, सलमान का तो मैं बता दूँ, जब भी मैं सलमान से मिली हूँ, और नॉर्मली भी मीडिया उनसे पूछती है कि बॉलीवुड की कौन सी एक्ट्रेस आपको सबसे ज़्यादा फिट दिखती है, पहला नाम आप ही का याद आया, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फ्रॉम द टाइम वी हैव बीन लिटिल सब सलमान को फिटनेस आइकॉन मानते हैं, और आज भी मानते हैं, इतने लोग उनसे इंस्पायर होके आगे चल के अपने हेल्थ का ख्याल रखते हैं, तो वैसा इंसान अगर आपको फिट मानते हैं तो इट्स लाइक अ बिग पैट ऑन योर बैक, सो आई रियली रियली एम वेरी थैंकफुल टू हिम फॉर थिंकिंग सो हाईली ऑफ मी। राइट, विपाशा, फिटनेस की अगर मैं बात करूँ तो फिटनेस को लेकर आप कुछ आगे भी सोच रहे हैं, अपना कोई जिम सेंटर ओपन करने के लिए, या कुछ विपाशा बसु समथिंग लाइक इस कुछ इस तरह से कुछ लेना चाहते हैं बिजनेस लेवल पर भी आगे ले जाते? लव योर सेल्फ इज अ बिजनेस, माई ब्रांड इज बीबी लव योर सेल्फ, इट्स अ फिटनेस लेबल जिसके अंडर मैंने अपनी फिटनेस क्लोथिंग रीबॉक के साथ की है बहुत साल, ऑलमोस्ट 5 years now, एंड डेफिनेटली द डीवीडी इनिशिएटिव्स आर कमिंग,
एज एंड व्हेन जितना मुझे वक्त मिलेगा मैं उतना एक्सपेंड करूंगी. एंड या द आइडिया इज एक्सपेंशन अंडर लव योरसेल्फ. ओके, बर्थडे मुझे याद है कि आपका जब बर्थडे था तो मतलब लाइक स्टॉक ऑफ द टाउन हो गया था. लोग हर कोई बर्थडे पार्टी के बारे में बात कर रहे थे कि बिपाशा इज हैविंग अ ब्लास्ट. मुझे तो ये नहीं पता था क्योंकि मेरे तो सरप्राइज बर्थडे पार्टी थी मेरे लिए. मुझे तो पता भी नहीं था ये सब प्लान चल रहे थे. तो हाउ वाज द पार्टी और कितना मजे किया एंड व्हाट वाज द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट? देखिए मेरा बर्थडे हमेशा मुझे बहुत पसंद है. मैं बहुत पसंद करती हूँ अपना बर्थडे और मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं हमेशा ऐसे ही रहूँ. बचपन से लेकिन अभी तक सब कहते हैं मेरे में बहुत बचपना है. बट आई लाइक द वे आई एम. मुझे बहुत पसंद है ये स्पेशल डे. मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि दिस इज़ द डे आई वॉज बॉर्न. आई डोंट अंडरस्टैंड. कुछ ऐसे लोग होते हैं ओ बर्थडे इज़ नो बिग डील. मुझे वो समझ ही नहीं आती जो लोग ऐसे बिहेव करते हैं. तो मेरे बर्थडे पे सब जो मुझे चाहते हैं मुझसे प्यार करते हैं सबको बताया कि एक छोटी सी विश भी अगर कोई मुझे कर देता है तो मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ. तो जैसे लाइक इवन आपने जो मेरा केक काटा था लास्ट ईयर मैं उससे एक्साइटेड हो जाती हूँ. मेरे को तो बहुत पसंद है बर्थडे सेलिब्रेशन. बहुत अच्छा रहा इस बार. मेरी छोटी दो बहनों ने बहुत स्वीटली सब कुछ सरप्राइज पूरा प्लान किया था क्योंकि उन्हें पसंद है कि उन्हें पता है कि मुझे क्या क्या पसंद है. सो देयर वर बलून्स, देयर वर थिंग दिस प्लकार्ड्स एंड फूड दैट आई लाइक. Everything was according to what I like. You are popular. You are like sexy hot. आप youth icon भी है. And you like अगर मैं आपसे पूछूँ तो इस बिपाशा पर single because इतनी खूबसूरत लड़की. I mean single कैसे हो सकती है? Not like you have a life. Absolutely single. मैं बिपाशा बासु हूँ. मैं single हूँ. I'm not saying I'm available to everybody, but I'm single for sure, and I will be single till I get married. Oh wow! और जब हरमन के साथ आपका नाम जोड़ा जाता है, तो I mean you both are like a buddies, friends. अगर मैं गलत ना हो, तो फिर इस चीज़ को आप कैसे लेते हो? You both are laughed on this. और देखिए, over the years I've been linked to a lot of people who have been my friends, and I just don't know. I think people. They like, they want to see me settled and happy with someone. I guess that's why people discuss it. Why people are bothered about your wedding? हर बार आपसे वही पूछा जाता है. और even we people. मुझे लग रहा है किसी को दहेज मिल रहा है. मेरी शादी हो रही है पर उन लोगों को दहेज मिल रहा है. किसकी शादी करा दो, इसकी शादी करा दो. क्या मिलेगा भगवान जाने. But I feel that कुछ तो ऐसी conspiracy है जो मुझे नहीं पता है कि दूसरों को पैसा मिल रहा है जब मेरी शादी हो रही है. And would you like to? आपने कहा था मैं एकदम बंगाली वेडिंग करने वाली हूँ और फुल ऑफ पूरे रिचुअल्स. लेकिन ये शायद मतलब किस तरह के आजकल लोग अनाउंसमेंट तो कहीं पर भी कुछ भी कर देते हैं. बट यू आर द पर्सन हु सेड कि मैं तो मीडिया को भी अनाउंस करूँगी, फैमिलीज को भी बुलाऊंगी. क्योंकि देखिए मैं ऐसी हूँ जो अगर बर्थडे को इतना बड़ा करके सेलिब्रेट करती है, जो हर ओकेजन को लाइफ में इतना सेलिब्रेट करती है, तो इतना बड़ा स्टेप है मेरे लिए तो मैं करूँगी डेफिनेटली. इतना साथ दिया है मेरा ऑडियंसेस ने, मीडिया ने, और सब मेरा अच्छा चाहते हैं, तो क्यों मेरी इतनी अच्छी न्यूज़ को मैं अच्छी तरह बताऊंगी. राइट, थैंक सो मच बिपाशा फॉर योर लवली टिप्स. कैमरामैन कैलाश के साथ सलमा खान, जू मुंबई.